ऑनरेबल मिनिस्टर सर, मेरा सवाल ऑर्फेंस को लेकर था। स्टेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑर्फेंस इन द कंट्री। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, मणिपुर में लगातार 80 दिन से ज्यादा हिंसा चल रही है। It will not go on record. It cannot go on record. Honorable Minister. Answer pertaining to the question pertinently laid on the table of the House with regards to question number 64. Question number 65, Sri Edi Singh. The point is that I can only ask supplementary if North East survives. There is problem in Manipur spreading over to Mizoram, Meghalaya. Thing will go on record, Honorable Minister. 64, 65. 65. Sir, answer is laid on the table of the House, but he is asking something else. He is talking about Manipur. Sir, he has not asked any question. Question number 66. Dr. Amir Yazdi. Question 76. Yes, question number 66. Dr. Amir Yazdi. Sir, I have seen the reply, but I would like to ask the minister whether his colleague women ministers are going to speak on Manipur. It will not go on record. It will not go on record. It is indecorous conduct. It is misconduct. It is abuse of your power, Honorable Minister. And I take strong objection to this because women ministers, women politicians have spoken not only on Manipur, Rajasthan, Chhattisgarh, Bihar. Tell me, when will you have the guts to discuss Rajasthan? When will you have the guts to discuss Chhattisgarh? When will you have the courage to discuss what is happening in Bihar? When will you have the courage to talk about the Red Valley? Question number 68, Shri Sant Balbir. Manipur hi Manipur. Honorable Minister. Honorable Manipur. Question 69, Shri G.V.L. Narasimha Rao. Sir, question number 69. Honorable Minister. Honorable Minister. मंदिर बोलेगा तब तो सप्लीमेंट्री वन सर इन द रिप्लाई गिवन ऑनरेबल मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट नो रिकमेंडेशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट आस्क योर सप्लीमेंट्री यस सर आई एम आस्किंग सप्लीमेंट्री ओनली माननीय रामदास अठावले जी सर इस सिनेमा का इतना बहुत ही अच्छा आ गया है भी सिनेमा में अच्छा परिवर्तन करने का इतना आ गया है यहाँ भी लेकिन हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस हाउस के विलन है वो या नहीं है इसलिए मुझे हो रहा है फील तो मुझे लगता है कि ये बिल इतना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे विरोधी दलों की सब सीट मुझे दिख रही है खाली विरोधी दलों की सीट मुझे दिख रही है सब खाली माननीय अठावले जी विषय फिल्म लेकिन नरेंद्र मोदी जी है भारत देश के वाली माननीय अठावले जी विषय फिल्म है
2024 में INDIA विषय फिल्म है। 2024 में माननीय ठावले जी विषय फिल्म है, विषय पर बोलेंगे तो रिकॉर्ड पे जाता है, प्लीज रात होगी, प्लीज प्लीज विषय पर बोल। 2024 में INDIA की रात होगी काली, इसलिए मैं अनुराग ठाकुर को देता हूं इस बिल के लिए ताली। बिल पे आ गए, बिल पे आ गए। ये सिनेमा परिवर्तन के विदय के लिए मैं अनुराग ठाकुर जी को बधाई देता हूं, और हंगामा हाउस में हंगामा करने वालों का मैं बदला लेता हूं। ये बिल पास हुआ है ये बताने के लिए मैं मुंबई जाता हूं, ये बिल पास हुआ ये बताने के लिए मैं मुंबई जाता हूं, और कांग्रेस का सामना करने के लिए फिर जल्द ही वापस आता हूं। तो फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है, बहुत बड़े समाज में परिवर्तन करने के विषय पर फिल्म निकलती है। आजकल बहुत सारी फिल्में भी ऐसी आ रही है कि हमारे नौजवान लोग आत्महत्या करते हैं, मतलब उस फिल्म में अगर आत्महत्या करने के लिए ऐसा कुछ सीन होता है उस पर भी सेंसर बोर्ड ने ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्टिस्टिक फिल्में जो होती है, आर्टिस्टिक फिल्में बहुत सारी पहले आती थी, हमारे दादा साहब फाल्के जी ने मतलब महाराष्ट्र में नहीं देश भर में बहुत ही अच्छी फिल्मों की शुरुआत की। और बॉलीवुड ये हमारे मुंबई में, मुंबई का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुंबई प्लेस है, हमारे अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद से मुंबई आए, बहुत सारे कलाकार पूरे देश से मुंबई आते हैं, उनको फिल्म में काम मिलता है। मैंने भी एक दो फिल्मों में काम किया है, मैं भी उनको क्या क्या नाम है बता दीजिए हम देखेंगे। मैंने जो एक अन्याय का पत्रकार नाम की एक मराठी फिल्म थी उसमें मैंने टाइटल रोल किया है, जोशी और जोशी या कामले नाम की एक फिल्म है उसमें मैंने थोड़ा सा काम किया है। मैं ज्यादा काम करता था तो मैं इधर नहीं आता था। विषय पर मुझे मतलब वहां ही रहना पड़ता था मुझे। मैं जब कॉलेज में था तब मैं हर फिल्म देखता था, और इसीलिए मतलब मैं भी कलाकार हूँ। हमारी स्मृति ईरानी जी भी मतलब उन्होंने भी काम किया, पूरा हो रहा है आपका। सास भी कभी बहू थी, लेकिन बहू भी लहू थी। तो मतलब बहुत सारे लोग यहाँ है, और फिल्म हम थिएटर में देखते थे, लेकिन आजकल जिस तरह हमारे मेंबर साहब ने बताया कि मॉल में मतलब छोटे छोटे थिएटर है, 100 सीट के 150 सीट के, पहले 1000 सीट के 1500 सीट के मतलब बड़े थिएटर होते थे, वह हम 10 रुपए 20 रुपए टिकट में हम देखने के लिए जाते थे। 4 मिनट्स यू हैव टेकन, प्लीज कंटिन्यू। तो मतलब कम पैसों में देखने के लिए जाते थे, लेकिन आजकल मतलब काफी इंटरनेट आया है, फिल्म की चोरी होती है, बहुत सारी फिल्में घर में देखी जाती है, इसीलिए अपने इनकम में भारी टूट आई है, अपने डिपार्टमेंट को भी पैसा मिलना चाहिए, इसीलिए मतलब परिवर्तन करने के लिए ये बिल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट आया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बिल का सपोर्ट करने के लिए मैं यह खड़ा हूँ, और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया ये बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया मतलब इनका इंडिया नहीं, इंडिया हमारा है, इंडिया का